हेलो एवरीवन, मैं बिपांची गोस्वामी। आज का डेट है 12 फरवरी 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है वो है यूपी कैबिनेट ने जो है अभी जो कि ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 को ग्राउंड वाटर लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए अप्रूवल दिया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट, जिसको चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता की थी, तो उन्होंने जो है अभी ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 को अप्रूवल दिया है 11 फरवरी 2020 को फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। और ग्राउंड वाटर एक्ट जो है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको अभी अनिवार्य कर दिया गया है फॉर इंस्टॉलिंग सबमर्सिबल पंप्स। और एक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी जो है उसको भी अभी अवेलेबल कर दिया गया है फॉर द सेम। और इसके अलावा भी यूपी गवर्नमेंट जो है वो अभी सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को है उसको मैंडेटरी बना दिया गया है, यानी कि अनिवार्य कर दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दिल्ली इलेक्शन 2020 से रिलेटेड। तो दिल्ली इलेक्शंस रिजल्ट्स जो है वो अभी ये रिवील करता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अभी सेकेंड टर्म के लिए एक गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और ये जो रिजल्ट्स जो है इस रिजल्ट्स ने मनोज तिवारी का जो ड्रीम जो था 48 सीट्स के टारगेट का, उसको चकनाचूर कर दिया है उनके सपने को। और जो की आप कैंडिडेट्स जो जिन्होंने इस इलेक्शन में इस चुनाव में जीत हासिल की है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी अमानतुल्ला खान, राघव चड्ढा एमंग अदर्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अभी ड्राफ्ट विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान 2020-30 को रिलीज़ किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अहेड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 CMS COP 13 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है एक जो ड्राफ्ट विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान 2020-2030 को है उसको इंट्रोड्यूस किया है टू कंजर्व इकोसिस्टम्स, हैबिटेट्स, एवियन डाइवर्सिटी एंड लैंडस्केप इन द कंट्री। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेडिकल डिवाइसेस, जिसको अभी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर अभी रेगुलेटेड किया जा रहा है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 11 फरवरी 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये घोषणा किया है कि मेडिकल डिवाइसेस को जो है वो उनको सभी को अभी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट DCA के अंडर लाया जाएगा। और ये जो है 1 अप्रैल 2020 से ये मतलब लागू होगा। और इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार जो है जो कि हर जो प्रोडक्ट जो है एवरी प्रोडक्ट जो है दैट इज यूज्ड टू ट्रीट अ पेशेंट विल नाउ बी अंडर द एम्बिट ऑफ DCA। इसमें जो है MRI, CT scan, थर्मोमीटर, डायलिसिस मशीन्स एक्सेट्रा शामिल है। और 37 डिवाइसेस का एक जो लिस्ट जो है वो भी शामिल है, और जिसमें मेडिकल डिवाइसेस जिन सभी को मतलब एनिमल्स के ऊपर भी यूज़ किया जाता है साथ ही साथ वो भी शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे। 10 फरवरी 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने जो है अभी पार्लियामेंट में पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे को पेश किया है। और रिपोर्ट ने ये कहा है, रिपोर्ट ये कहता है कि जो पिछले साल के तुलना में PSU से जो नेट जो प्रॉफिट जो है वो बढ़ के 15.5% हो गई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अमेजोन जो है वो अभी $1.5 बिलियन को 2 डेटा सेंटर्स के लिए इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। ई कॉमर्स जाइंट अमेजोन वेब सर्विसेज जो है वो अभी हैदराबाद में 2 डेटा सेंटर्स को मतलब स्थापित करने के लिए $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, उसकी प्लान कर रहा है ये अमेजोन। और ये जो प्राइवेट जो फर्म जो है उसको अभी तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प किया जाएगा अंडर इट्स डेटा सेंटर पॉलिसी। और ये जो प्राइवेट फर्म अमेजोन जो है
उसने अभी एक टारगेट स्थापित किया है और 5 बिलियन US डॉलर ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेब पोर्टल, जिसको अभी जिसको अभी स्टार रेटिंग प्रोवाइड करने के लिए, कोल माइंस के स्टार रेटिंग प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है इसको, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो है अभी हाल ही में एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में कोल माइंस के स्टार रेटिंग को प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो स्टार रेटिंग जो है बेस्ड ऑन द स्टार रेटिंग द हाईएस्ट स्कोरिंग माइंस आर टू बी अवार्डेड। तो जो जिनको मतलब हाईएस्ट स्कोरिंग जो माइंस जो होंगे स्टार रेटिंग के बेस्ड पर, तो उनको सम्मानित किया जाएगा। और न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जो माइंस जो मतलब 91% और 100% के बीच में स्कोर करेगी उनको 5 स्टार दिया जाएगा, और 91% से नीचे और 81% से ऊपर जो मतलब जिनका होगा वो 4 स्टार रिसीव करेंगे एंड सो ऑन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और कोल माइंस जो है वो अभी उनको अभी एक लॉगिन आईडी के साथ इसको प्रोवाइड किया जाएगा टू सेल्फ इवोल्यूट डेमसेल्व्स बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और ये जो माइंस जो है माइंस आर टू बी रेटेड बेस्ड ऑन 50 पैरामीटर्स। और ये जो माइंस जो है उनको 50 पैरामीटर्स के बेस्ड पर इसको मतलब रेट दिया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज ऑफ बिमस्टेक NDRF जो है वो अभी भुवनेश्वर में ये शुरू हो गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अभी द सेकेंड बिमस्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 बिमस्टेक DMEX 2020 को होस्ट करेगा। और ये जो एक्सरसाइज जो है वो ओडिशा के भुवनेश्वर में 11 फरवरी 2020 और फरवरी 13 2020 के बीच में आयोजित किया जा रहा है। और इस एक्सरसाइज का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव जो है जो उद्देश्य जो है वो टेस्ट द एग्जिस्टिंग एमरजेंसी प्रोसीड्यूर्स डिजास्टर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग फ्लड अर्थक्विक एंड स्टॉर्म्स। और ये जो एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज विल ऑल्सो स्ट्रेस अपन रेस्टोरिंग हेरिटेज साइट्स डैमेज्ड ड्यू टू डिजास्टर्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है WHO ने जो है अभी कोरोना वायरस को एक नया नाम दिया है COVID-19। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 11 फरवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये घोषणा किया है COVID-19 जो है वो नाम दिया है कोरोना वायरस को। तो ये जो एक जो न्यू जो नेम जो है वो दिया है कोरोना वायरस को नाम COVID-19। और आज जो है ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आज 42,000 से ज़्यादा जो लोग जो है इस वायरस से इन्फेक्टेड है। और WHO ने जो है इस नेम को नो रेफरेंस टू जियोग्राफिकल लोकेशन इसको चूज़ किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक थे। देन भाभा कवच नेक्स्ट जो है वो भाभा कवच इससे रिलेटेड टॉपिक है, जो कि न्यू बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसको BARC ने डेवलप किया है टू बी यूज्ड बाय CISF। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जो है जो न्यू बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसको भाभा कवच कहते हैं उसको डेवलप किया है। और ये जो जैकेट्स जो है उसको अभी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के द्वारा यूज़ किया जाएगा। लगभग 5 पीसेस ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो है उनको CISF को हैंड ओवर कर दिया गया है। और नॉमिनल वेट ऑफ द जैकेट जो है वो 6.8 kg है। और ये जो है ये लाइटेस्ट लेवल 3 पल्स जैकेट है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है US ने जो है अभी जो कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टू इंडिया के सेल के लिए अप्रूवल दिया है। ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने जो है अभी सेल ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IDWS टू इंडिया के लिए अप्रूवल दिया है। और US ने जो है अभी 1.9 बिलियन US डॉलर अबाउट ₹13,000 करोड़ का ये जो डील जो है उसको अप्रूवल दिया है। पहले जो है US गवर्नमेंट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी एक्सप्रेस किया था जब इंडिया ने रशिया के साथ टू बाय 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स फॉर $5 बिलियन अबाउट ₹35,000 करोड़ के लिए एक एग्रीमेंट पे साइन किया था। तो US ने जो है अपनी नाराज़गी बयां की थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फेब्रुअरी 11, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के तौर पे मनाया जा रहा है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जिसको हर साल 11 फरवरी को 2015 से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जा रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एक जो रिजोल्यूशन जो है इस डे को मनाने के लिए उसको पास किया है, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द रोल प्लेड बाय गर्ल्स एंड वीमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फरवरी 11, जिसको वर्ल्ड यूनाइटेड डे के तौर पे भी मनाया जाता है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 11 फरवरी को हर साल बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान, तो उसको मनाने के लिए जो है एज वर्ल्ड यूनानी डे इसको मनाया जाता है, इस डे को, मतलब जो हकीम जो अजमल खान है उनके बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए वर्ल्ड यूनानी डे के तौर पे 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। वो इंडियन यूनानी फिजिशियन थे और एक जो सोशल रिफॉर्मर वो थे, मतलब ही वॉज एन इंडियन यूनानी फिजिशियन एंड अ सोशल रिफॉर्मर। और इस वर्ल्ड यूनानी डे को मनाने का जो एम जो है, इसका जो मेन जो एम है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट यूनानी मेडिकल सिस्टम, इट्स प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव फिलोसॉफीज। और आयुष मिनिस्ट्री ने जो है एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है इस डे को मनाने के लिए, और इसको जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अटेंड किया था, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, कोई अगर सुझाव तो कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।